नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार 6 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कई टोल प्लाजा भी किसानों ने धरने लगाकर बंद कर रखे हैं। इसी बीच कई किसानों ने मौत को भी गले लगा लिया है। ताजा मामला सामने आया है जींद खडकर टोल पर, जहां किसान ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय सतपाल पुत्र जिले सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो दिन रात खडकर टोल प्लाजा पर ही रहता था, इसके साथ ही वो चाय बनाने का काम करता था। मृतक ने रात को जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस को अवगत करा दिया गया है। पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि रात्रि को 55 वर्षीय सतपाल पुत्र जिले सिंह जाति जाट निवासी खटकर, जो खटकर टोल प्लाजा पर चाय बनाता था, पिछले 6 महीने से दिन रात खटकर टोल प्लाजा पर ही रहता था। किसान के सुसाइड मामले में किसानों ने 20 सदस्य कमेटी गठित कर सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। किसानों ने एसडीएम उचाना को जींद खटकर टोल पर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। जींद से हमारे संवाददाता सनीनाथ योगी की रिपोर्ट। भैया, हमारा किसान भाई यहाँ पर लगातार 6.5 महीने से सेवा कर रहा था। यहाँ पर चाय पानी का जो कार्य था उसके जुम्मे था। रात को भी यहाँ पर सोता था। वो इस आंदोलन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। दिन रात 6 महीने से लगातार यहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। तो आज उसने अपने प्राणों की आहुति दी है इस किसान आंदोलन के लिए। इसलिए उस भाई को, उस किसान को, सतपाल भाई है नाम उसका, उसको हम सलूट करते हैं और परमपिता परमात्मा से अरदास करते हैं कि उसको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये तानाशाही हत्यारी सरकार है, लेकिन किसान ने के हौसले ना तो इससे डाउन होंगे। और ये हम पूछते हैं सरकार से कि वो कितनी शहादत चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री ये कह दे कि मैंने 2,000, 5,000, 10 लाख किसानों की शहादत थी, जो हम उन इतनी शहादत देने के लिए तैयार है, लेकिन इस मोदी से कहना चाहते हैं कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने का काम करें और MSP पर हमें कानून बनाकर देने का। अब कैसी रणनीति बनाई गई है? जब आपने कहा कि सरकार आदमी आप लोग नहीं देना चाहिए, जींद DC हमारे बीच में आएगा तो हम उसको बताएंगे हमारी समस्या, हमारी बात, तो उसके बाद हम इसका दाह संस्कार करेंगे भाई का, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उस रूप से। लेकिन हमारी मांग है कि DC साहब हमारे बीच में आए और हमारी बात सुने। तो कौन कौन से आपकी प्रमुख मांगे अगर बात की जाए? ये गरीब किसान था, सिर्फ 1.5 किले का जमींदार है। तो हम चाहते कि इसके 2 लड़के हैं कि एक लड़के को सरकारी नौकरी दी जाए। और जैसे आर्थिक मदद की बात है कि 50 लाख रुपये आर्थिक मदद दी जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए। तो ये हमारी मांगे हैं। कुछ हमारी कमेटी अब सोच विचार करेगी क्या मांग है, कैसे करना है, वो हम रणनीति बनाएंगे, क्या रूपरेखा। हाँ, जब तक यही रखेगा, हम कमेटी निर्णय लेंगी अभी, तो उसके बाद जो भी निर्णय होगा। सुसाइड की थी, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मामला था? किसानों ने 3 मांग रखी हैं कि 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके किन्हीं आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। तो तीनों ही जो डिमांड हैं वो सरकार के स्तर की हैं, लोकल प्रशासन के स्तर की नहीं। तो उनकी ये जो डिमांड है वो हम विधिवत तरीके से सरकार को भेजते हैं। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। मामला था सुसाइड का, क्या मामला था जी? जो आज ये सुसाइड का मामला है किसान की, इस मामले में हमने नरवाड़ा में आज इनका पोस्टमार्टम करवा दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि इन्होंने क्या जायज था कि सुसाइड की। किसान कौन किसान है सर, कितने हैं, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? खटकर गाँव के रहने वाले किसान हैं और इसके बारे में अभी किसानों ने SDM साहब को एक ज्ञापन भी दिया है और उस ज्ञापन को भी निश्चित माध्यम से सरकार के सामने जानकारी मिल पाई है सर, किस समय इन्होंने सुसाइड किया, कुछ किया है? ये रात में यहाँ पे 5-6 किसान रात को रुकते हैं, तो ये हम रुकने वाले किसानों में से एक थे। सुबह जब इनके साथ मैंने देखा था, उनके पास ही मृत पा। ठीक है, थैंक यू।